तो दोस्तों चौथे टेस्ट में भारत को मिली ऐतिहासिक जीत। कप्तान रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास। तो जानिए क्या है आज की पूरी हाईलाइट। आज की इस वीडियो में इसी को लेकर बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँ। इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली में किसे एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं, तो इसका जवाब नीचे कमेंट करके दीजिएगा। तो चलो अपने टॉपिक को लेकर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों का टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहली पारी में 353 रन बनाए थे, जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 307 रन पर अपनी सारी विकेट गंवा दी थी। इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी में भारत ने जम की बॉलिंग की और वहीं 145 रन पर ऑल आउट कर दी इंग्लैंड को और भारत को 192 रन की लक्ष्य मिली थी। जवाब में भारत ने 5 विकेट गंवा कर लक्ष्य हासिल किया और चौथा टेस्ट सीरीज अपने नाम किया। भारत ने चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया 5 मैचों के 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली। भारत के ध्रुव जुरेल और सुमन गिल छठे विकेट के लिए नमाज 72 रन की ताजेदारी निभाई। जुरेल के बल्ले ने विनिंग रन निकाले, उन्होंने 2 रन लेकर मैच को जीत दिलाई। जुरेल 39 रन और सुमन गिल 92 रन बनाकर नमाज रहे। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा 55 रन की पारी खेली। भारत को जीत के लिए 192 रन की लक्ष्य मिला था। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 353 रन बनाए थे, जवाब भारत की पहली पारी 307 रन पर समाप्त हो गई थी। इंग्लैंड की टीम 46 रन की बढ़त के साथ दूसरी पारी में उतरी थी। इंग्लैंड की दूसरी पारी 145 रन पर सिमट गई। ऐसे में उनकी कुल बढ़त 191 रन की हुई थी। आज चौथे दिन भारत ने बिना विकेट गंवाकर 40 रन से आगे खेल शुरू किया था और भारत को पहला झटका 84 के स्कोर पर